मैं हूँ काजल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे UPSI के रिज़ल्ट के बारे में। आपने सुना होगा कि UPSI के रिज़ल्ट जो है आज जो है घोषित हो जाएगा, तो किस टाइम तक वो रिज़ल्ट आएगा वही मैं आपको बता दूंगी। पूरी जो वीडियो मिलेगी वो आपको जो है ऑफिशियल नोटिस के अनुसार ही मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। देखिए गाइस, 12 लाख लोगों ने जब आपने UPSI के लिए जो है फॉर्म जो है भरे थे, तो 75 लाख जो 7.5 लाख लोग थे वही जो है एग्ज़ाम देने जा पाए थे। ये जो पोस्ट थी आपकी 95-34 की, इसमें जो वैकेंसी निकली थी जैसे कि आपकी है पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है, प्लेटून कमांडर या फायर सर्विसमैन की जो भी निकली थी, तो इसका एग्ज़ाम जो है 3 फेज में हुआ था। ये सारी नोटिफिकेशन आपको पता है, आपने एग्ज़ाम दिया है। मैं बता रही हूँ कि 12 नवंबर से देखिए 2 दिसंबर तक जो है आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर रिज़ल्ट की बात करें तो जब आपका ये एग्ज़ाम 2 दिसंबर को हुआ है गाइस, 2 दिसंबर को तो ये आपका लास्ट ही हुआ है, तो आपका जो ये रिज़ल्ट है वैसे तो अभी आ जाना चाहिए था बहुत पहले ही, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे हुए। ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर पड़ता है ना, ये जो हर एग्ज़ाम में पड़ता है चक्कर नॉर्मलाइजेशन का, ये रिज़ल्ट को रोक देता है, ठीक है। तो किसी के लिए ये अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा भी होता है, ठीक है। तो वही मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो ये रिज़ल्ट है गाइस, ये आपका आज शाम को नहीं आएगा। जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो नहीं आने वाला है। आपका जो रिज़ल्ट है ये 20 फरवरी तक ही आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, 1 वीक बाद जो है आपका जो है ये रिज़ल्ट आ लेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जहाँ इतना पेशेंस रखा है और थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना अभी क्लिक गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।